हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है साहब कंटिन्यूटी। लेकिन कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके सामने ये जो लेक्चर है लेने वाला हूं प्रीव्यू के ऊपर। प्रीव्यू क्या होता है, हम जानेंगे कि कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी है जो इस लेक्चर में हम जानेंगे, समझ रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले। इससे अगला लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन का है आपके लिए, उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे कंटिन्यूटी का। लेकिन ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम प्रीव्यू करेंगे थोड़ा सा। समझिएगा प्रीव्यू क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी चैप्टर है, बेसिकली यहां से आपकी कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है 12th क्लास की, समझ रहे हैं, जो एक बहुत ही मेजर पार्ट है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो सभी चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। कंटिन्यूटी उसकी बेसिक सीडी है, बेसिक लेडर है उसकी, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि आपको एलजेब्रा आनी चाहिए थोड़ी बहुत आपको एलजेब्रा आनी चाहिए। एलजेब्रा क्या होती है सर? बेटा जी, एलजेब्रा वो होती है जैसे कि छोटी मोटी कैलकुलेशन जो आप अब तक सीखते आए हो, जैसे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, सर ये तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए होता है। एक और देख लेते हैं सर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, के सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, समझ रहे हो ना इस तरह की बात। तो इस तरह की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्स है, वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, समझ गए, इनका थोड़ा बहुत प्लस माइनस का ज्ञान आपको होना चाहिए। इनको कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। अब मैं बोलूं एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो आप लिख दोगे एक्स वाई, देखो वो काम नहीं करना है, एक्स प्लस वाई एड नहीं होता है, ऐसा कैसा रहता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। थोड़ा बहुत हमें ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान भी होना चाहिए जो आपने 11th क्लास में सीखी है, समझ रहे हैं। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हम कोई भी दो फंक्शन या दो नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक्स अपॉन वाई, दो फंक्शन है उनको अपॉन में लिख दिया, या दो फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, लिख सकते हैं। लेकिन वो कब लिख सकते हैं, वो तब ही लिख सकते हैं जब ये नीचे वाला जो है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा जब नीचे जीरो आ जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि जो कंटिन्यूटी है, जो चैप्टर आपका कंटिन्यूटी है, इसमें थ्योरी है थोड़ी सी, समझ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी थ्योरी है और क्वेश्चन है इसमें खूब सारे। थ्योरी कैसी है? मामूली सी थ्योरी है। और क्वेश्चंस कैसे हैं साहब? क्वेश्चंस है अथाह खूब सारे। तो हम भी इसी प्रकार चलेंगे कि हम जो थोड़ी सी रिक्वायर्ड थ्योरी है उसको पढ़ेंगे और उस पर हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। आप टेंशन इस बात की मत लेना कि सर इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हो, ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। देखिए, मेरा यहां पर खड़े होकर आपको पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद है, वो है कंसेप्ट समझाना, समझ रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस करूंगा, हर टाइप की थ्योरम यहां पर डिस्कस होगी। उसके बाद जब आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे कूदेंगे ना, तो वो इजीली हो जाएंगे, इतना सा विश्वास करना आप मुझ पे। समझ पा रहे हैं बात को? तो मेरा मकसद है कंसेप्ट समझाना। जीरो से लेकर और 100 तक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं आपको कि थ्योरी थोड़ी सी और अथा सागर है यहां पर क्वेश्चंस का। दूसरी बात आती है साहब कि सर हम 12th क्लास में हैं, हमें कितना पढ़ना है। तो हम आपको एक बात बोलेंगे कि ये हमारा पहला लेक्चर है कंटिन्यूटी का, आप ऑल लेक्चर्स देखेंगे, कितने देखेंगे,
ऑल लेक्चर्स ऑफ सीरीज। इस सीरीज में जितने भी लेक्चर हैं, हम उन सभी लेक्चर्स को अगर शुरू से फॉलो करते हुए चलते हैं तब हम कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अपने जहन में बिठा पाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं या टेक्स्ट बुक में या किसी भी गाइड बुक में, वो सारे क्वेश्चन करने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो एक भी लेक्चर आप मत छोड़ो, शुरू से लेकर एंड तक सारे लेक्चर देख लो। मेरा वादा है आपसे, अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो किसी में नहीं आएगा, दूसरे बच्चे में। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हमारा थोड़ा सा रिव्यू था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं और बात करेंगे आपसे कंटिन्यूटी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंटिन्यूटी क्या होती है, व्हाट इज द कंटिन्यूटी, और फिर हम आगे चलेंगे यहां से। ये थोड़ा सा प्रीव्यू था जो मैंने आपको बता दिया, ये लिख लीजिए आप, ये भी लिखना जरूरी है कि क्या होता है प्रीव्यू।